मेरे पास हाथरस से कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया कि हमारी मस्जिदों में अजान नहीं हो रही है, डीएम साहब का आदेश आ गया है, हमारी मस्जिद में अजान नहीं होने दी जा रही। तो फिर मैंने यहाँ के कमिश्नर साहब से गुहार लगाई, मैंने कमिश्नर साहब को गुहार लगाई आज से 6 रोज़ पहले, लेकिन अभी तक कोई मुझे जवाब नहीं मिला, ना मुझे इंसाफ मिला। फिर उसके बाद मैं गया DIG साहब के पास, वहाँ से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला, ना अभी तक मुझे कोई इंसाफ मिला। फिर हम लोग गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर ये मैं आपके पास समझ हुआ, हाई कोर्ट के अंदर रेट दायर करी और रेट के अंदर आज सरकार ने अपना पक्ष रखा है हाई कोर्ट के अंदर, और शाम तक हमारे वकील को सरकार का पक्ष मिल जाएगा कि उन्होंने क्यों पाबंदी लगवाई है, डीएम साहब क्यों नहीं होने दे रहे थे। कल 5 तारीख को इसका जजमेंट है 12:15 पर। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक ऐसी जालिम सरकार को अकल दे कि जो मस्जिदों पर पाबंदी लगवा रही है, बल्कि सरकार पर नहीं, मैं तो ये कहूँगा सरकार तो नहीं लगा रही पाबंदी, लेकिन DM ऐसे जालिम DM को अकल दे कि जो मस्जिद में अजान नहीं होने दे। DM क्या आधार दिखा रहे हैं नमाज बंद अजान बंद कराने का? उनका पक्ष आएगा ना 5 बजे शाम को 5 बजे। अब तक आपको क्या पता चला उस मसले में? उनकी जबरदस्ती है, हठधर्मी है, सिर्फ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों से आपकी बात हुई? वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं बेचारे, वो कमज़ोर लोग हैं, उनको तो पुलिस जाके डांट देती है और कहती है मस्जिद के अंदर ताले लगवा दो, ताले लगवा दिए मस्जिद के अंदर, कोई अजान नहीं। ये हमारे DM साहब का अच्छा काम है, इसलिए मैं DM साहब को बधाई देना चाहता हूँ, हाथरस DM को, कि आपने बहुत बड़ी मर्दानीय काम किया है और आपने बहुत बड़ा अपनी पावर का अच्छा इस्तेमाल किया आपने अजान में पाबंदी। कोई डायरेक्शन है कोई इस तरह का उनके पास? कोई डायरेक्शन नहीं है सरकार की तरफ से, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। दिल्ली में भी ये देखने को मिला था कि LG के ऑर्डर का हवाला देकर कुछ पुलिस वाले अजान को बंद करा रहे थे, लेकिन एक महिला ने विरोध किया तो उसका ABP न्यूज ने खंडन भी किया। तो मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास ऑर्डर है, ये सरकार की ऑर्डर है, मैंने पहले बताया सरकार ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो दिल्ली के आदेश को ये नजीर नहीं मान सकते? ये असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहनी इनको तकलीफ होती है इस्लाम से, ये वो लोग हैं जो अजान में पाबंदी लगा रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उन लोगों को तकलीफ क्या है। अरे अजान तो एक अच्छी चीज़ है भाई, हमारे मुल्क के लिए अच्छी चीज़ है, हमारे इंसानियत के लिए अच्छी चीज़ है। अजान से ये मालूम होता है कि चलो नमाज की तरफ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने शराब तो खुलवा दी, शराब की पाबंदी तो खुलवा दी, शराब की लाइन लग रही हैं, कोई डिस्टेंस का कोई प्रोटोकॉल वो नहीं हो रहा, कानून में कोई पालन नहीं हो रहा, सब मिल मिलजुल के शराब खरीद रहे हैं, आपने भांग का अड्डा खुलवा दिया, आपने देसी दारू खुलवा दी, आपने इंग्लिश शराब की दुकानें खुलवा दी, लेकिन आपने मस्जिद पे पाबंदी लगवा दी। और जो मुसलमानों का एक मैंने कहा था आज से 3 रोज पहले, मीट की दुकानें आपने पाबंदी लगवा दी, ये कौन सी मतलब इंसाफ है? फिर कहते हो मेरे भाइयों बहनों 130 करोड़ की बात करते हो, झूठ बोलते हो है? ये 30 करोड़ जनता, 30 करोड़ लोग कम से कम, मैं चलो मैं हिंदू भाइयों को छोड़ दूं, हिंदू भाइयों का नाम अलग हटा के बताऊं तो 30 करोड़ जनता को आज सख्त जरूरत है उसकी भोजन की, लेकिन नहीं, ये है ये इंसाफ हो रहा है। दुनिया वालों देखो, शराब जिससे शराब पी के लोग बिगड़ेंगे, बदतमीजी करेंगे, बहन बेटियों को छेड़ेंगे शराब पी के, भांग खा के उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन गोश्त की पाबंदी नहीं हटेगी, शराब पे हट जाएगी। मीट का तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का भी पालन नहीं, सरकार का ये आदेश है, देगी मेरे पास सरकार का आदेश रहेगा। ये क्या कहा गया उसमें? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देख लें आप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
ये नॉर्थ दिल्ली से निकला है ऑर्डर, ये 15 अप्रैल का ऑर्डर है। इसमें साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि डेली यूज की चीज़ें सब, ये आप देख लें, इसमें मीट का नाम भी लिखा है, अंडे का नाम भी लिखा है, सब चीज़ लिखी है। लेकिन ये समुदाय को परेशान करना है, बस एक समुदाय को परेशान करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा इंसाफ काम कर रहे हैं। अरे राजा हो, राजा की तरह काम करो, राजाओं की तरह बात करो। राजा की सीट पे तो बैठ गए लेकिन सोच वही रही घटिया है। जब सेंटर ने, आप सेंटर का भी कहना नहीं मानेंगे, आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया तो यूपी गवर्नमेंट को लागू करने में क्या परेशानी आ रही है? जो दारू शराब भांग जो अपने मतलब की चीजें, वो सब पे पाबंदी हटा दी, जो अपने यूज करने की चीजें हैं उनकी दुकानें खुलवा दी, और जो मेरी यूज करने की चीज है, मेरे समाज के लोग यूज करने की चीज है, वो आपने उस पर पाबंदी लगा रखी है, वो नहीं खोलेंगे साहब। ये हरदर्मी छोड़ दो, ना वक्त किसी का रहा है ना रहेगा। बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए, ना कल वो रहा था वक्त, ना आज ये वक्त रहेगा, लेकिन बातें याद रह जाएंगी।